स्वागत है दोस्तों। ब्रेकिंग न्यूज़ बड़ी खबर इस समय की लेकर आए हैं। ईवीएम विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को सीजीआई ने जारी किया नोटिस। 2 हफ्ते दिए हैं जवाब दाखिल करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, बीते सोमवार को ईवीएम विवाद पर समाजवादी पार्टी की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई और यह सुनवाई 10 मिनट तक चली और उसके बाद बेंच ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को हलफनामा दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का वक्त दिया और नोटिस जारी किया। गौरतलब है दोस्तों, ईवीएम विवाद पर अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी की ओर से याचिका दाखिल की गई, जिसमें दावा किया गया कि जब तक बैलेट पेपर से गिनती होती रही तब तक वह जीतते रहे। लेकिन जैसे ही ईवीएम खुलना शुरू हुई बीजेपी आगे निकल गई और ईवीएम में गड़बड़ी का यहाँ पर अंदेशा जताया है समाजवादी पार्टी ने, और इसी मामले पर सुनवाई हुई थी बीते सोमवार को। ये दोस्तों इस समय की बड़ी अपडेट निकल के आ रही थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ भी। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।